today hairstyle is wedding hairstyle, and this is very easy and fantastic hairstyle. If you follow all these steps as I did, you will easily make it at home. So please don't forward my video, watch it completely and note all the steps as I am doing. You will easily make it at home. You will not need to go to the salons or do not need to any other things. So please watch it very carefully and follow all the steps. आज का है जो हेयर स्टाइल है वो वेडिंग हेयर स्टाइल है, क्योंकि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि आप लोगों के काम आ सके और आप इजीली देख सको कि किस तरीके से बड़े अच्छे से जो हेयर स्टाइल्स हैं आप घर पे बना सकते हो. तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सारे स्टेप्स को नोट करना है उसी तरीके से जैसे कि मैं बना रही हूँ, और ताकि आप लोग को किसी किस्म की कोई गलती ना हो सके. और वीडियो को फॉरवर्ड कर करके ना देखिएगा, सारी की सारी वीडियो देखिएगा ताकि आप इसको आसानी से बना सकें. सबसे पहले क्या करना है, आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन करके इनको कैचर कर लेना है. अगर आप मांग टीका लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी. बैक पे आपने सेंटर में पोनी टेल करना है और नीचे वाले बाल आपने अलग से छोड़ देने हैं. इसके बाद आपने एक डोनट बम बन लेना है और इसको यू पिन के ज़रिए अच्छे से अटैच कर लेना है. जितनी पिन्स आप अच्छे से लगाएंगे उतने ही अच्छे से ही अटैच होगा. इसके बाद आपने सारे बालों को स्प्रेड करना है, स्प्रेड द होल ईयर एंड टाई इनटू ए रबर बैंड. इनको अच्छे से नीट करके आपने एक रबर बैंड के ज़रिए इसको इस तरीके से लगा लेना है ताकि अच्छे से ये बाउंड हो सके. और इसके बाद आपने इसको स्प्रे करके अच्छे से नीट कर लेना है. चाहे तो रबर बैंड लगाने के बाद आप इसको यू पिंस या बो पिंस के ज़रिए भी आप इसको अच्छे से अटैच कर सकते हो. अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ विथ निकालना चाहते हो तो फिर बहुत ज़्यादा आप इसको पिंस ना लगाएं. अगर आप इसको दबा के लगाना चाहते हो ताकि ये फैला हुआ दिखे और वो ज़रा बाहर को निकला हुआ ना दिखे, तो आप इसको बो पिंस या यू पिन के ज़रिए भी लगा सकते हो. इसके बाद आपने क्या करना है, जो बचे हुए आपके हेयर्स हैं इसको आपने अच्छे से ट्विस्ट करके अराउंड टू द बन आपने इसको होल्ड आउट कर लेना है. उसके बाद क्या करना है, साइड से आपने एक छोटी सी स्टैंड लेनी है, हेयर स्टैंड, और उसको राउंड राउंड करते जाना है इस तरीके से. और उसको सेंटर में आपने जो बन है उसके सेंटर में आपने इसको पिन अप कर लेना है. इंजेक्ट ऑल द यू पिंस और बो पिंस अंदर 90 एंगल्स. आपने बन के अंदर जितनी भी पिंस होल्ड आउट करनी है तो काइंडली प्लीज नोट ऑल द पिंस एंगल शुड बी एट 90 एंगल. डोंट पुट द पिंस एट 60 और 40 एंगल्स, इट विल स्पॉयल ऑल द लुक ऑफ द हेयर स्टाइल. चाहे तो आप इसको हार्ट की शेप दे दें, चाहे तो आप इसको राउंड की शेप दे दें, ये इट्स ओनली डिपेंड टू यू कि आप इसके सेंटर में जो आपने इसको राउंड करके इसके बनाए हैं, राउंड राउंड करके हम इसको गोल ट्विस्ट करके इसके फ्लावर्स बना रहे हैं. तो आप चाहें तो ये साथ साथ जोड़ के बना लें, चाहें तो आप इसको दो या चार अलग अलग करके लगा लें. दिस इज़ ओनली ऑप्शनल थिंग्स, व्हाट यू वुड लाइक. ऑल द फ्लावर्स शुड बी टुगेदर और विद द गैप्स 2 or 3 inches. सो होल्ड और इंजेक्ट ऑल द पिंस इन 90 एंगल. 90 एंगल पे ही आप पिंस लगाएंगे तो अच्छे से यह होल्ड भी हो सकेगा. अगर आप 60 degree और 40 degree पे लगाएंगे तो ये अच्छी सी लुक भी नहीं देगा और ये खूबसूरत भी नहीं लगेगा और पिंस भी दूर से नुमाया होंगी. ऑल द पिंस शुड बी प्रोमिनेंट इफ़ यू इंजेक्ट 40 or 60 degree. कितने अच्छे से आप इसको राउंड करते जाओगे. अगर आप इसको फिंगर पे रैप करके ये जो हेयर स्टैंड है, इफ़ यू रैप इन द फिंगर इट विल आल्सो बी वेरी गुड लुक. इसको फिंगर पे रैप करके ये इस तरीके से जैसे मैंने कर रही हूँ उस तरीके से भी करके आप लगा सकते हो. पहले हमने सारे उधर से स्टैंड कर ली, अब हमने जो फ्रंट के बाल छोड़े हुए थे उसमें से हमने टेक द थिन सेक्शंस ऑफ द फ्रंट सेक्शन एंड वी होल्ड आउट द All the twist, we are twisting the hairs and inject to the donut band. हम donut band के ऊपर इसको putting on कर रहे हैं, इसको put on the donut band. हम इसको donut band के ऊपर inject कर रहे हैं and 90 angle.
You also use U pins, bow pins. Do not use hair pins. आप small और big कोई भी आप U pin और bow pin use कर सकते हो. You can use bob और U pins. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन ऑल्सो क्लिक द लाइक बटन एंड इफ़ यू ऑल्सो लाइक दैन यू कैन शेयर माई वीडियो. सो प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टेप्स. आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आपकी स्टैंड्स हैं इसको अपने छोटे छोटे कैचर के ज़रिए सेंटर में इंजेक्ट कर देना है. इंजेक्ट मिनी कैचर ऑन द सेंटर ऑफ द हेयर स्टैंड. जो आपकी बालों की लट है उसके सेंटर में आपने एक छोटा सा फैंसी कैचर लगा देना है. इससे आपके बालों की लुक ये है. आप देखें कैचर छोटा सा. इट इज़ मेड ऑफ विद मेटल. यह मेटल का कैचर है. इसके बाद आपने क्या करना है फ्रंट के स्टेम को थोड़ा सा दबा के जहाँ जहाँ पे हमने वो कैचर लगाए हुए हैं दबा के हमने उसको उभार देना है और इसको पुश आउट करके फ्रंट स्टैंड को वो इंजेक्ट द ऑल एयर्स टू द फर्स्ट हेयर स्टैंड. फर्स्ट हेयर स्टैंड पे मैंने सारे बालों को अच्छे से बॉब पिन के ज़रिए लगा दिया है. इसको अच्छे से नीट करें, स्प्रे करें, कॉम करें सारे बालों को. और ये ध्यान में रखिएगा कि सारे बाल आपके बैक टू द ईयर हों. कान के पीछे की तरफ से सारे बाल आप ले जाएं. कान के ऊपर या फेस के ऊपर आप रखना चाहते हैं तो फिर इनकी ये लुक नहीं आएगी. जब आप इसके बैक टू द ईयर लेके जाएंगे देन इट विल लीव अ ग्रेट लुक. देन ऑल द हेयर शुड बी कर्ल्स. आपने तमाम जो बाल हैं इनको कर्ल कर लें. अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप स्पाइरल कर्ल्स करें. अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इनको लूज कर्ल करें. अगर आपके बाल छोटे हैं और आप उनको स्पाइरल कर्ल करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आ जाएंगे और वो अच्छी लुक नहीं देंगे. तो सो अगर आपके बाल कम हैं या आपके बाल की लेंथ छोटी है तो आप उसको लूज में कर्ल करें. जो कलरिंग रॉड है आपका वो आप मोटे वाला लें. और इसकी भी एक किस्में होती हैं. मोटे में होता है, बारीक में होता है. तो ये वो वाला राड यूज़ करें जो मोटे में हो, जिसकी मोटाई 2 इंच के करीब हो. तो वो वाला राड यूज़ करके आप बालों को अच्छे से कर्ल कर लें इफ़ द लेंथ इज़ टू मच शॉर्ट.
अच्छे से बालों को कर्ल कीजिएगा। चाहे तो आप इन कर्लिंग के ऊपर जेल लगा के ग्लिटर्स भी लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट पे जो कर्ल्स किए हुए हैं वो कर्ल स्पाइरल कर्ल्स कहलाते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने हेयर एक्सेसरीज में वाइट कलर के फ्लावर्स, वाइट रोज़ फ्लावर्स मैं लगा रही हूँ। ऑल द रोजेस दैट इज़ मेड ऑफ द हेयर बन आई एम अप्लाइंग वाइट रोज़ एज अ हेयर एक्सेसरी। द सेंटर ऑफ द ट्विस्ट, जो ट्विस्ट रोल हमने किया हुआ है इस सेंटर में मैंने वो वाइट रोजेस सारे लगा दिए हैं। इस तरीके से करके आप इसको अच्छे से वाइट रोजेस को अप्लाई कर लें। वाइट रोजेस, ब्लू रोजेस और रेड रोजेस एज यू विश। लेकिन अगर आपके बाल ब्लैक हैं तो इसके अंदर वाइट रोजेस ज़्यादा उठेंगे क्योंकि वो ज़्यादा नुमाया होंगे और खूबसूरत भी दिखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हमारा हेयर स्टाइल लग रहा है, हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है हमने आज बनाया है। और ये जो हमने कैचर लगाए हुए हैं इसके जो हमारी स्टैंड है इसको थोड़ा सा फ्रंट की तरफ पुल आउट करें, पुल आउट टू द फ्रंट साइड, तो इससे भी एक अच्छी सी लुक आ जाएगी आपके हेयर स्टाइल में कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो और अच्छे तरीके से दिखेगा। और अगर आप इसको बाहर से नहीं भी खींचते देन इट्स डज नॉट मैटर, वो फिर भी अच्छा ही लगेगा। ये हमारा एंगेजमेंट हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल, निकाह सेरेमनी, आपके निकाह के फंक्शन पे भी ये स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। इस स्टाइल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट यू विल लाइक, इज़ यू विल लाइक माय हेयर स्टाइल और नॉट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर माय वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन टू वॉच माई लेटेस्ट वीडियो। If you like my video, then again I will say, please subscribe my channel and share my channel on FB, Insta, whatever you will like, WhatsApp. Please, thank you so much for watching my video.